हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम बात करने वाले हैं डेली की तरह रिजल्ट से रिलेटेड। तो देखिए, रिजल्ट देखने से क्या हो जाता है कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, पता चल जाता है एक अच्छे अच्छे शेयर से रिलेटेड। अगर कल की डेट की बात करें तो देखिए, हमने यहाँ पर साइडरी शेयर से रिलेटेड बातें करी थी, वो यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया था। कुछ शेयर की बात करी थी जो इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे, वो गिरते हुए दिखाई दिए थे। तो इस तरीके से हमें एक आइडिया लग जाता है और फिर उसके बाद बढ़ने के बाद वो उनमें एक गिरावट आती है और गिरावट में एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है इस तरीके के शेयर खरीदने की। तो आज भी इसी तरीके से आज के दिन में काफी सारी कंपनीज के रिजल्ट आए, उससे रिलेटेड बातें करेंगे, देखेंगे कि मंडे को वो किस तरीके से बिहेव करेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस से मिलती रहे। और एक जरूरी बात कि जो हम रिजल्ट पढ़ते हैं वो कंप्लीटली रिजल्ट नहीं होते, रिजल्ट में तो इन डेप्थ स्टडी होती है, बट हम ऊपर से देखते हैं जस्ट बिकॉज हमें एक आइडिया लग सके कि कंपनी क्वार्टरली वाइज और ईयरली वाइज किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, उससे हमारा आगे का पाथ क्लियर हो जाता है। तो आइए वीडियो की तरफ। तो जिस शेयर से स्टार्टिंग में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है फेडरल बैंक। कल भी तीन चार बैंकों के रिजल्ट आए थे, आज भी आए हैं। तो फेडरल बैंक की बात कर रहे हैं, इस बार के रिजल्ट है ये लास्ट क्वार्टर के, ये लास्ट ईयर के, तो इनलैक्स में रिजल्ट है। इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 3,35,000 के लगभग यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम इस बार हुई है, पहले 3,36,000, इससे पहले 3,44,000। तो ईयरली बेसिस पे बात करें और क्वार्टरली बेसिस पे बात करें, थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट है, बट स्टिल यहाँ पर फ्लैट के भी कह सकते हैं क्वार्टरली बेसिस में। टोटल इनकम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 लाख की यहाँ पर इनकम हुई है, इससे पहले 3,83,000, इससे 3,93,000। तो ईयरली क्वार्टरली बेस में यहाँ पर टोटल इनकम में जंप है। एज वेल एज अगर हम बात करें वो किस वजह से, यहाँ देख सकते हैं आप अदर इनकम यहाँ इनकी ज्यादा होती दिखाई है। टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो 2,87,000 के यहाँ पर एक्सपेंस हुए, इससे पहले 2,94,000, इससे पहले 3 लाख। तो ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली वाइज यहाँ पर एक्सपेंस भी कम हुआ है, एक्सपेंस कम हो रहा है और टोटल इनकम बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हैं वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बट हम नेट प्रॉफिट फॉर द पीआरटी देखेंगे टैक्स एंड ऑल दे काटने के बाद, तो 36,729 लाख रुपीज का प्रॉफिट है, इससे पहले 47,781 लाख रुपीज, इससे पहले 40,077 लाख रुपीज। ईयरली क्वार्टरली वाइज यहाँ पर थोड़ी बहुत यहाँ पर गिरावट आ रही है, बट अगर स्टिल हम बात करें यहाँ पर अच्छा खासा कंपनी ने परफॉर्म किया है यहाँ पर इस कंपनी ने। इसके अलावा हम देखते हैं और भी कुछ चीजें, तो यहाँ पर देख सकते हैं ईपीएस, इनका जो बेसिक ईपीएस है 1.84 रुपए का, इससे पहले 2.39 रुपए, इससे पहले 2.01 रुपए। ओके, एज वेल एज अगर हम बात करें ग्रॉस एनपीए, तो यहाँ पर परसेंटेज में देख लेते हैं तो 3.5 की यहाँ पर ग्रॉस एनपीएस है, इससे पहले 3.4 था, इससे पहले 2.96। तो ईयरली क्वार्टरली वाइज यहाँ पर स्लाइटली यहाँ पर जंप है एनपीएस में। नेट एनपीएस भी देखे तो 1.23, इससे पहले 1.19, इससे पहले 1.22। तो ईयरली वाइज भी अगर बात करें तो फ्लैट ही कह सकते हैं, ज्यादा यहाँ पर कुछ है नहीं। एज वेल एज क्वार्टरली वाइज भी सेम ही यहाँ पर एनपीएस होते हुए दिखाई दिया। तो यहाँ पर फेडरल बैंक के रिजल्ट ठीक ठाक यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं एक और कंपनी क्रॉम्पटन। क्रॉम्पटन ग्रीव से रिलेटेड कुछ टाइम पहले हमने वीडियो बनाई थी, कुछ टाइम तो नहीं कहेंगे, बहुत टाइम हो गया है, और वहां पर बताए थे इससे रिलेटेड। उसके बाद ये शेयर अच्छा खासा भागा, इन करोड़ में रिजल्ट है। टोटल इनकम देखते हैं तो यहाँ देख सकते हैं 1,65,000, इससे पहले 1,05,035, इससे पहले 731 सॉरी 1,065 करोड़ रुपीज, 1,535 से पहले 731 करोड़ के। तो ईयरली वाइज यहाँ जंप है बट क्वार्टरली वाइज यहाँ गिरावट है। और टोटल एक्सपेंस भी देखे तो 941, इससे पहले 1,308, इससे पहले 633। तो ईयरली वाइज एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, क्वार्टरली वाइज यहाँ गिरावट है। एज वेल एज बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो देख सकते हैं 93 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, इससे एक साल पहले 73 करोड़ का था, और क्वार्टरली वाइज बात करें 246। तो क्वार्टरली वाइज काफी बड़ी गिरावट है बट ईयरली वाइज यहाँ पर जंप है। ओके, यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट टैक्स के भी हुए हैं, तो काफी सारी चीज के यहाँ पर एडजस्टमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईपीएस भी देख सकते हैं 1.48 है, इससे पहले 3.93, इससे पहले 1.18। तो यहाँ पर आप अगर हम गए तो ईयरली वाइज देखते हैं वैसे तो रिजल्ट की ईयरली किस तरीके से, बट अगर क्वार्टरली बेसिस पे कंसिस्टेंट प्रॉफिट हो तो और उसमें सोने पे सुहागा हो जाता है। तो यहाँ पर इस कंपनी की तरफ नजरें बनाइएगा। इसके अलावा बात करें सिग्निटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इन लैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है। टोटल इनकम की बात करें 26,851 लाख रुपीज है, 23,722। तो ईयरली क्वार्टरली वाइज यहाँ जंप है। एक्सपेंस की बात करें तो 24,441, इससे पहले 20,000, इससे पहले 18,000। तो एक्सपेंस भी ईयरली क्वार्टरली वाइज बढ़े हैं। और नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें 2,042, इससे पहले 2,466 है, 29
10.10, तो ईयरली क्वार्टरली वाइज यहाँ पर गिरावट है नेट प्रॉफिट में, तो इस चीज को हमें देखना होगा। ईपीएस भी देख सकते हैं यहाँ पर क्वार्टरली ईयरली वाइज घट रहा है, बट अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पर ये अच्छा खासा होता हुआ दिखाई दिया है, यही मेन होता है। एक्सपेंस तो कभी ना कभी यहाँ पर कम कंट्रोल में आ जाते हैं। ओके यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयज बेनिफिट के लिए एक्सपेंस ज्यादा किए गए हैं, बट कंपनी अच्छी खासी नजर आ रही है, इसकी तरफ नजरें बना के रखिएगा। गिर सकती है बट स्टिल यहाँ पर नजरें बनाइएगा। एसकेएफ इंडिया यहाँ पर देखें, इसके रिजल्ट ऑन द मार्केट मतलब मार्केट जब चल रही है ड्यूरिंग द मार्केट यहाँ पर आ गए थे, इन मिलियंस में रिजल्ट है। और टोटल इनकम की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 6,999 मिलियन रुपीज है, 85, 21, 27,000, तो ईयरली वाइज तो बहुत बड़ी गिरावट है, क्वार्टरली वाइज भी गिरावट है। एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस भी ईयरली क्वार्टरली वाइज कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट अगर बात करें प्रॉफिट फॉर द पीरियड की तो 791 मिलियन रुपीज से पहले 1,048 इस पर 2,976, तो ईयरली क्वार्टरली वाइज यहाँ पर प्रॉफिट भी कम होता हुआ जा रहा है, ईपीएस भी कम हो रहा है, तो इस कंपनी की तरफ ध्यान रखिएगा। बट यहाँ पर इसे बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पर यहाँ पर गिर भी सकता है शेयर। यस बैंक की बात करें यहाँ पर एक और बैंक है, इसके रिजल्ट इन लैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है, इंटरेस्ट इनकम देख सकते हैं, तो इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर देखिए 4,42,542 लाख रुपीज से पहले 3,098 इससे पहले 3,98 इससे पहले 5,48,000, तो अगर हम बात करें ईयरली वाइज यहाँ पर गिरावट है इंटरेस्ट इनकम में, बट अगर बात करें क्वार्टरली वाइज यहाँ पर जंप है। और यहाँ पर टोटल इनकम की बात करते हैं यहाँ पर सब चीज जोड़ने के बाद, तो यहाँ पर देखिए 5,58,184 लाख रुपीज से पहले 4,80,000 था इस वाइज 6,10,000, तो ईयरली वाइज थोड़ी सी गिरावट है, बट क्वार्टरली वाइज बात करें तो कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्म करके दिखाया है। और अगर हम बात करें यहाँ पर एक्सपेंस की, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं टोटल एक्सपेंस यहाँ पर हम नीचे जाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर तो 4,66,000 से 4,62,000 इससे 4,95,000, तो ईयरली वाइज यहाँ गिरावट है, क्वार्टरली वाइज यहाँ पर एक्सपेंस जंप है। तो हम देखते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो 20,000 लाख रुपीज का प्रॉफिट है, इससे पहले कंपनी घाटे में थी 3,78,000 से पहले 4,544 लाख रुपीज का प्रॉफिट था। ईयरली वाइज यहाँ पर लगभग 5 गुना प्रॉफिट है, क्वार्टरली वाइज यहाँ पर कंपनी घाटे से प्रॉफिट में आ गई है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज अगर बात करें यहाँ पर देख सकते हैं प्रोविजनिंग, यहाँ पर जो बात करें प्रोविजनिंग यहाँ पर लास्ट टाइम लैक्स में हुई थी, यहाँ पर बिल्कुल ही प्रोविजनिंग क्वार्टरली वाइज बिल्कुल कम हो गई है यहाँ पर देख लीजिए। ओके इसकी वजह से यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट होता हुआ दिखाई दिया है, और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर प्रोविजनिंग वगैरह से पहले यहाँ पर ये दिखा रखा है, एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट यहाँ पर देख रखा है। एज वेल एज बात करें नेट प्रॉफिट की तो वो आपको हमने बताई दिया है। इसके अलावा बेसिक ईपीएस देख लीजिए, कंपनी ईयरली क्वार्टरली वाइज अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है। और ग्रॉस एनपीएस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनपीएस भी यहाँ पर ईयरली वाइज कम होते हुए दिखा दे रहे हैं, क्वार्टरली वाइज लगभग थोड़े से बढ़ रहे हैं 15.6% 15.41 इससे पहले 17.3, और नेट एनपीएस भी देखिए तो ईयरली वाइज यहाँ पर थोड़ी जंप है नेट एनपीएस में, यहाँ पर 4.96 से 5.78 हो गया है, बट क्वार्टरली वाइज देखे तो यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट है। तो कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्म किया है, इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा बैंक की तरफ, और ये बैंक आपको शायद मंडे के दिन भागते हुए दिखाई दिए। वेंडिट इंडिया इसका शेयर की बात करें तो लगभग 6,000 रुपए का शेयर यह नजर आता है। इनलैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है, टोटल इनकम देख लीजिए ईयरली वाइज यहाँ पर जंप है, क्वार्टरली वाइज गिरावट है। इस बार की इनकम 3,815 है, इससे पहले 4,289 था, इससे पहले बात करें 2,085 लाख रुपीज। तो एक्सपेंस की बात करें तो अगर एक्सपेंस ईयरली वाइज यहाँ पर बढ़ते हैं बट क्वार्टरली वाइज घटते हुए नजर आ रहे हैं, अच्छी बात है। 3,093 इससे पहले 3,531 इससे पहले 2,071। तो हम बात करें प्रॉफिट फॉर द पीरियड की तो 534 लाख रुपीज का प्रॉफिट है, इससे पहले 597 था, इससे पहले 8 लाख का प्रॉफिट था। तो कंपनी ने ईयरली वाइज काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, क्वार्टरली वाइज स्लाइटली जंप है, तो यहाँ पर इस कंपनी की तरफ ध्यान रखिएगा, ये शेयर आपको अच्छा खासा भागता हुआ दिखाई दे सकता है मंडे के दिन। तो वेंडेट के अच्छे रिजल्ट है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर एक और कंपनी यूनाइटेड स्प्रिट, आपको पता ही है वाइन की कंपनी है, इन मिलियंस में यहाँ पर रिजल्ट है, टोटल इनकम की बात करें 60,725 इस 76,000 38,000, तो ईयरली वाइज यहाँ पर जंप है बट क्वार्टरली वाइज यहाँ पर गिरावट है इनकम में, और आपको पता ही है क्या रीजन है, यहाँ पर लॉकडाउन था। एक्सपेंस की बात करें 59,000 है, इससे पहले 73,000 से 40,000 लाख रुपीज, तो ईयरली वाइज एक्सपेंस बढ़ रहा है, क्वार्टरली वाइज गिरावट है। टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो 691 लाख रुपीज के प्रॉफिट है, कंपनी एक साल पहले घाटे में थी तो घाटे से प्रॉफिट में आ गई है, बट यहाँ पर क्वार्टरली वाइज बात करें तो यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट है। तो देखते हैं मंडे को किस तरीके से यहाँ पर लिया जाता है, तो यहाँ पर अच्छी खासे ईयरली वाइज यहाँ कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। सिम्फनी यहाँ पर अगर बात करें, हमारे पोर्टफोलियो में ये शेयर है तो अभी तक इसके रिजल्ट नहीं आए थे, तो यहाँ पर अभी यहाँ निकाले नहीं है, एक बार देख लेते हैं, आपको पता ही है रिजल्ट कैसे निकालते हैं।
देखिए अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, इसके रिजल्ट हम कल की डेट में देख लेंगे, कल भी हमारे पास शायद टाइम है। इसके बाद बात करते हैं स्पार्क सिस्टम। अगर हम इसकी बात करें तो लास्ट टाइम इसके रिजल्ट बड़े बकवास आए थे, ओके, तो हमने यहाँ पर बिल्कुल मना कर दिया था। इन लक्स में यहाँ पर रिजल्ट है, यहाँ बात करें 1 साल पहले तो कोई यहाँ पर रिजल्ट ही नहीं है, सेल्स ही नहीं है, तो ईयरली क्वार्टरली वाइज यहाँ पर जंप है। बट अगर बात करें टोटल एक्सपेंस 4 लाख के यहाँ पर एक्सपेंस हो रहे हैं। अगर और भी हम बात करते प्रॉफिट फॉर द पीरियड की सीधे बात करते हैं एक बार, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कंपनी घाटे से प्रॉफिट में आ गई है, ये एक अच्छी बात है। ओके, यहाँ पर लास्ट टाइम तो बहुत सारे एडजस्टमेंट, टोटल एक्सपेंस ही इतने सारे हुए थे और यहाँ पर सेल्स नहीं होती दिखाई थी, इस बार एक्सपेंस भी कम हुए हैं और यहाँ पर सेल्स भी थोड़ी सी ज्यादा हुई है। बट यहाँ पर फिर भी यहाँ पर नजरें बनाइएगा, खरीदने की कोई यहाँ पर बात नहीं है, कंपनी बस घाटे से प्रॉफिट में आ गई है, इस चीज को आपको देखना है। और यहाँ पर अगर बात करें एक और चीज और कंपनी की, शेषाही पेपर्स, पेपर्स के शेयर अगर हम बात करें तो अच्छे खासे यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पर अगर इसके रिजल्ट देखते हैं, इन करोड़ में रिजल्ट है। टोटल इनकम की बात करें तो ये स्टैंड अलोन रिजल्ट है, 222 करोड़ के यहाँ पर इस बार की इनकम है। इससे पहले बात करें 330 था, इससे पहले 145 था। ईयरली वाइज यहाँ पर जंप है, क्वार्टरली वाइज गिरावट है। एक्सपेंस की बात करें तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंस 197 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंस हो रहे हैं, इससे पहले 303, इससे पहले 117 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंस थे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और कुछ चीज की, तो यहाँ पर नीचे आ जाते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो यहाँ पर देख लीजिए नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखें, और ऑर्डिनरी एक्टिविटीज आफ्टर टैक्स तो 18 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, इससे पहले 61 करोड़ का था, इससे पहले 17। तो ईयरली वाइज यहाँ जंप है बट क्वार्टरली वाइज यहाँ पर गिरावट है। बेसिक ईपीएस भी आप इसी तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि मंडे को किस तरीके से यहाँ पर बाजार मार्केट को इन रिजल्ट को लेता है। इसके अलावा कंसोलिडेट भी देखना था, वो भी देख सकते हैं। कंसोलिडेट आई थिंक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 1 मिनट देख लेते हैं यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज नेट प्रॉफिट। हाँ, ये सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर एक और कंपनी की, एसबीआई कार्ड्स। एसबीआई कार्ड्स आपको पता ही है कितने बेहतरीन यहाँ पर मोनोपोली बिजनेस एंजॉय करता है मार्केट में। इट मींस यहाँ पर मार्केट में और कोई कार्ड से रिलेटेड शेयर नहीं है। इंटरेस्ट इनकम देखे तो देखिए यहाँ पर ये इस बार के रिजल्ट है, ये लास्ट ईयर के रिजल्ट है, यहाँ पर थोड़ा उल्टा है। और यहाँ पर अगर बात करें ये लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट है, तो ईयरली वाइज ऐसे हमें चेक करना है, क्वार्टरली वाइज ऐसे चेक करते हैं। तो इंटरेस्ट इनकम की अगर बात करें तो क्वार्टरली वाइज देखें तो जंप है, ईयरली वाइज देखें तो थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट है। बट अगर हम बात करते हैं टोटल इनकम की, तो देखिए 2450 यहाँ पर ये लैक्स में है, यहाँ पर जो ठीक है कोई भी यहाँ पर लैक्स करोड़ में है, सॉरी। तो अगर हम देखें यहाँ पर करोड़ दे रखा है, तो 2450 करोड़ की यहाँ पर इनकम है, इससे पहले 1 साल पहले 2195, इससे पहले 2468। तो ईयरली वाइज यहाँ पर जंप है, क्वार्टरली वाइज यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट है। अगर बात करते हैं प्रॉफिट एक्सपेंस की, तो ये एक्सपेंस भी देख सकते हैं 2040, तो इससे पहले 1667 1 साल पहले, और यहाँ पर क्वार्टरली वाइज 2233। तो क्वार्टरली वाइज यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट है, बट ईयरली वाइज यहाँ पर एक्सपेंस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात करें तो 304 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, 1 साल पहले 393 था, और क्वार्टरली बेस पर बात करें 175। तो क्वार्टरली बेस पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, ईयरली बेसिस पर थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट है, बट कोई इशू की बात नहीं है। यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर तो और भी ज्यादा लॉकडाउन था, कोई नहीं, धीरे धीरे कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करेगी। और यहाँ पर शेयर अच्छा खासा गिरता हुआ भी मिल रहा है, तो आप एक अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हैं। ईयरली वाइज यहाँ पर ईपीएस कम हो रहा है, बट क्वार्टरली वाइज यहाँ पर अच्छा खासा कंपनी ने परफॉर्म करके दिखाया है, तो इस चीज को आपको देखना होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं और भी रिजल्ट की, सेट इंडस्ट्री लिमिटेड। अगर हम यहाँ पर इनलैक्स में रिजल्ट टोटल रेवेन्यू देखे, तो यहाँ पर देखिए सेम उसी तरीके से रिजल्ट है, 3 ये 6। तो यहाँ पर ईयरली वाइज यहाँ पर रिजल्ट है, ये क्वार्टरली वाइज यहाँ पर उल्टा हो गया थोड़ा। टोटल रेवेन्यू की बात करें 6358, इससे पहले 1 साल पहले 3183 था, इससे पहले 6298 था। तो ईयरली वाइज यहाँ पर जंप है, क्वार्टरली वाइज में यहाँ पर टोटल रेवेन्यू में जंप है। हाँ, टोटल एक्सपेंस की बात करें, ईयरली वाइज यहाँ पर एक्सपेंस बढ़ते हुए नजर आ रहे, क्वार्टरली वाइज यहाँ घटते हुए नजर आ रहे, जो कि अच्छी बात है। 5554 ये इलेक्शन रुपीज से पहले 3272, इसे 6109। तो क्वार्टरली वाइज यहाँ पर एक्सपेंस कम होते हुए नजर आ रहे, अच्छी बात है। अगर बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो 769 इलेक्शन रुपीज का प्रॉफिट है, 1 साल पहले की बात करें 105 इलेक्शन रुपीज, से पहले अगर एक क्वार्टर की बात करें 38। तो कंपनी ने घाटे से यहाँ पर ईयरली और क्वार्टरली वाइज अच्छा खासा परफॉर्म किया है, तो इस कंपनी की तरफ नजर बनाइएगा। ओके, ये अब कंपनी आपको शायद अपर सर्किट या फिर भागती हुई दिखाई दे सकती है। इसके अलावा हम और बात करें, यहाँ पर एक और कंपनी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसके रिजल्ट अभी तक आए नहीं थे, ओके, तो अभी तक हम देख नहीं पाए, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, अगर आ गए होंगे तो देख लेंगे।
तो अभी तक इसके रिजल्ट यहाँ पर आए नहीं है, तो बाद में हम कल की डेट में यहाँ पर कैप्चर कर लेंगे। एक और कंपनी है प्राइम सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज की कंपनी पे हमें ध्यान देना है। बट सिक्योरिटीज में अगर देखें यहाँ पर कंसोलिडेटेड रिजल्ट इन लैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है, तो इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। हम सीधे टोटल इनकम पे आएंगे 722 लाख रुपीज से पहले एक क्वार्टर पहले 2071 था, एक साल पहले 1008 था, तो क्वार्टरली ईयरली वाइज यहाँ पर गिरावट है। और हम बात करते हैं यहाँ पर टोटल एक्सपेंस की, एक्सपेंस भी ईयरली क्वार्टरली वाइज गिरावट है। और बात करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 429 लाख रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, जैसे 374 93। तो यहाँ पर अब मैं देखिए यहाँ पर बहुत सारे अदर अदर यहाँ पर एक्सपेंसिज या फिर उसके रिलेटेड यहाँ पर एडजस्टमेंट हुए होंगे, ओके। बट आपको इससे दूर रहना है, इसमें ये शेयर कितना बेहतरीन नहीं है, वरना मैं आपको अपनी वीडियो में और पहले बता दिया होता, इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी यहाँ पर देख चुका हूँ। बाकी अगर बात करें एक और कंपनी पैनोफिक इंडस्ट्री लिमिटेड, यहाँ पर अगर बात करें इसके भी रिजल्ट आ गए हैं, तो यहाँ पर देखिए टोटल रेवेन्यू टोटल इनकम की बात करें 48, ओके, यहाँ पर दे नहीं रखा लैक्स इन रुपीज में या किस में है, तो कोई नहीं, यहाँ पर हम सीधे नॉर्मल पढ़ रहे थे 48, इससे पहले 63, इससे पहले 1। तो ये Q1 के रिजल्ट इन्होंने यहाँ पर दिए हैं, Q3 के यहाँ पर रिजल्ट Q1 के नहीं आए, सॉरी Q4 के रिजल्ट है, तो Q4 के भी देख लेते हैं यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड हम देखते हैं, तो कंपनी घाटे से प्रॉफिट में आ गई है ईयरली क्वार्टरली वाइज, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ईयरली वाइज यहाँ पर प्रॉफिट में, क्वार्टरली वाइज में यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट में, इसकी तरफ नजरें बनाइएगा। बाकी अच्छी खासी एक बार देख लेंगे इस कंपनी। एक और कंपनी है नेक्टर लाइफ साइंस लिमिटेड, अगर हम यहाँ पर इसके रिजल्ट देखते हैं तो यहाँ पर इन लैक्स में रिजल्ट है, टोटल रेवेन्यू टोटल इनकम की बात करें 34,977 लाख रुपीज का प्रॉफिट है, इससे पहले अगर ये भी Q1 के ही रिजल्ट, यहाँ पर Q1 के रिजल्ट आ रहे हैं इनके, कोई नहीं, यहाँ पर 34,977 इससे पहले 37,000 इससे पहले 56, तो ईयरली क्वार्टरली वाइज यहाँ पर इनकम में यहाँ पर गिरावट है। और अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल एक्सपेंस की, एक्सपेंस ईयरली वाइज घट रहे हैं बट क्वार्टरली वाइज भी यहाँ पर घटते हुए नजर आ रहे हैं, अच्छी बात है। बट बात करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो यहाँ पर देखिए कंपनी घाटे में है, तो यहाँ पर दूर रहिएगा इस कंपनी से, नेक्टर लाइफ साइंस। इसके अलावा मेजेस्को लिमिटेड, इसके भी रिजल्ट यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए, इन लैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है, टोटल इनकम की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर 134 लाख रुपीज के टोटल इनकम है, 541 इससे पहले 362, तो ईयरली वाइज एज वेल एज क्वार्टरली वाइज यहाँ पर टोटल इनकम में गिरावट है। एक्सपेंस की बात करें, एक्सपेंस यहाँ पर ईयरली वाइज यहाँ पर जंप होती दिखाई दे रही है बट क्वार्टरली वाइज गिरावट है। और हम देखते हैं अगर प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट से एक साल पहले यहाँ प्रॉफिट में थी 122 करोड़ के, अभी 241 करोड़ के घाटे में है, और क्वार्टरली बेसिस पे भी यहाँ पर घाटा था, तो यहाँ पर मेजेस्को इस कंपनी से थोड़ा सा दूर बनाइएगा। मिड ईस्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लिमिटेड, ये कंपनी के रिजल्ट है। अगर टोटल इनकम की हम बात करें तो देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, आपको कुछ दे ही नहीं रखा टोटल इनकम, ओके, इस बार के भी रिजल्ट गायब है, लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट थे, तो यहाँ पर ऐसी कंपनी में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करते, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, बेशक से कितने भी प्रॉफिट में हो या कितने भी लॉस में। यहाँ पर देखे तो ईपीएस से हमें पता चल जाता है कंपनी एक क्वार्टर पहले प्रॉफिट में थी, अभी घाटे में यहाँ पर चल रही है, तो दूर रहिएगा। इसके अलावा बात करते हैं एक और कंपनी जुबिलियंट फार्मोवा, इससे रिलेटेड हमने वीडियो भी बनाई थी, और यहाँ पर बीच में कुछ एफडीए से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज भी आई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये शेयर गिरता हुआ दिखाई दिया था। इन लैक्स में रिजल्ट है, अगर बात करें सेम क्वार्टर का पैटर्न है। टोटल इनकम की अगर हम बात करते हैं तो 24,37 लाख रुपीज का यहाँ पर इनकम हुई है, इससे पहले अगर बात करें 37,966 से पहले 7,000 सॉरी 36,293 लाख रुपीज का यहाँ पर इनकम थी, तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे भारी गिरावट है यहाँ पर सेल्स में, तो इस चीज को थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। और एक्सपेंस की बात करें तो यहाँ पर एक्सपेंस भी कम होते हुए दिखाई दी है ईयरली क्वार्टरली बेस पे, यहाँ पर देखिए 2,588 इससे पहले 33,000 था, इससे पहले 69,000 था, तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे भारी गिरावट है। और नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो कंपनी पहले जो प्रॉफिट में चल रही थी अब घाटे में आ गई है, तो यहाँ पर हमारे पास ये शेयर है बट हम यहाँ पर निकलने की कोशिश करेंगे इस कंपनी से, जिसके रिजल्ट ही इतने बेकार हो, तो ऐसी कंपनी में नहीं बने रहना है। इसके अलावा हम बात करते हैं और भी रिजल्ट से, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, तो हमारी अगर बात करें टोटल इनकम की तो यहाँ पर इन करोड़ में रिजल्ट है 26,159 से पहले 24,000 से पहले 10,000, तो ईयरली क्वार्टरली वाइज यहाँ पर टोटल इनकम में जंप है जेएसडब्ल्यू स्टील। एक्सपेंस की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 18,309 18,256 से 10,664, तो ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली वाइज यहाँ पर एक्सपेंस बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए 5,258 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, इससे पहले
पहले एक क्वार्टर पहले 4,000 करोड़ का था, इससे पहले घाटे में थी कंपनी, घाटे से प्रॉफिट में आ गई अच्छे खासे क्वार्टरली ईयरली वाइज। यहाँ पर ईपीएस भी इनकी देख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं एक और कंपनी की, फिनोलेक्स केमिकल लिमिटेड FCL की। ये कंपनी काफी पॉपुलर हुई थी, ये 100 रुपए के आसपास का शेयर है, इनलेक्स में रिजल्ट है। टोटल इनकम की बात करें तो देखिए 4,413 लाख रुपीज, इससे पहले 4,959 लाख रुपीज, से पहले 1,565 लाख रुपीज। तो ईयरली वाइज यहाँ पर जंप है बट क्वार्टरली वाइज गिरावट है। टोटल एक्सपेंस की बात करें, एक्सपेंस भी ईयरली वाइज बढ़ रहे हैं बट क्वार्टरली वाइज गिरावट है। और हम बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 712 लाख रुपीज का प्रॉफिट है, इससे पहले 902, और ईयरली बेसिस बात करें तो प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया 647। तो यहाँ पर इसकी तरफ नजर बनाइएगा, देखेंगे कि बाजार इसे किस तरीके से यहाँ पर लेता हुआ नजर आता है। इसके अलावा डायनामिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये शेयर में अगर बात करें ASM में आता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर एक अच्छी खासी जंप हुई थी शेयर में। इनलेक्स में बात करें रिजल्ट है, टोटल इनकम की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए 32,178, इससे पहले 31,000, 35,000, से पहले 18,000। तो ईयरली वाइज अच्छी खासी जंप है, क्वार्टरली वाइज स्लाइटली गिरावट है। और टोटल एक्सपेंस की बात करें वो भी घटते हुए नजर आ रहे हैं बट ईयरली वाइज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार के 31,000 के आसपास का एक्सपेंस है लैक्स इन रुपीज, इससे पहले 34,000, से पहले 20,000। और बात करें यहाँ पर प्रॉफिट पीरियड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 252 लाख रुपीज का प्रॉफिट है। कंपनी इससे पहले घाटे में चल रही थी, तो यहाँ पर कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। तो इस चीज की तरफ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस कंपनी की तरफ। यहाँ पर ईपीएस भी देखिए घाटे से प्रॉफिट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कंपनी का नाम क्या है, यहाँ पर डायनामेटिक टेक्नोलॉजी। इसके अलावा बात करते हैं और भी कुछ चीजों की, तो एक ये और कंपनी है साइबर टेक सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर, इसके भी रिजल्ट अभी तक आए नहीं थे, अदरवाइज हम यहाँ पर निकाल के रखते हैं आपके लिए। हाँ तो एक बार देख लेते हैं इसके रिजल्ट अगर आए हो तो। हाँ तो अभी तक नहीं आए इन कंपनी के रिजल्ट, आपको खुद देखने हैं, बाकी कल की डेट में हम जरूर बात करेंगे। यहाँ पर बेताला, यहाँ पर एक और ग्लोबल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं एज वेल एज अगर हम बात करें इसके रिजल्ट देख भी सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, रिजल्ट देखना अच्छी बात होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसके रिजल्ट तो अभी तक आए नहीं है। इसके अलावा एक और कंपनी है यहाँ पर एरोन सॉल्यूशन, इसके भी हम देख लेंगे बाद में। इसके अलावा बात करते हैं अतुल लिमिटेड, यहाँ पर इसके भी रिजल्ट आ गए, इन करोड़ में रिजल्ट है। टोटल इनकम की बात करें 1067, इससे पहले 1093, इससे पहले 643 करोड़ के यहाँ पर इनकम थी। मतलब ईयरली वाइज कंपनी में अच्छी खासी जंप है बट क्वार्टरली वाइज यहाँ पर स्लाइटली गिरावट है, बट कोई इशू नहीं है। अगर बात करते हैं टोटल एक्सपेंस की, 857 लाख करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंस हुए, इससे पहले 867, इससे पहले 490। तो ईयरली वाइज यहाँ पर एक्सपेंस भी बढ़ रहे हैं बट क्वार्टरली वाइज गिरावट है थोड़ी सी 10 करोड़ के आसपास। और अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो 156 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, इससे पहले 169 था और एक साल पहले 116। तो ईयरली वाइज कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया, तो शायद मार्केट इसे इसी तरीके से लेगा और अच्छा खासा रिस्पॉन्स देता हुआ नजर आएगा। तो ईपीएस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं अतुल की बात है। इसके अलावा बात करते हैं एल्ट्रॉन इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये कंपनी है, इनलेक्स में रिजल्ट है। टोटल इनकम की बात करें 3943, इससे पहले 6811, इससे पहले 2161। तो ईयरली वाइज जंप है, क्वार्टरली वाइज गिरावट है। और हम बात करते हैं यहाँ पर टैक्स की, टोटल एक्सपेंस की, तो 3867, इससे पहले 6645, इससे पहले 2582। तो ईयरली वाइज यहाँ पर एक्सपेंस ही बढ़ रहा है, क्वार्टरली वाइज यहाँ पर बात करें एक्सपेंस घट रहा है। बट यहाँ पर हम बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो एक साल पहले कंपनी घाटे में थी, अभी यहाँ पर प्रॉफिट में है 55 लाख रुपीज, से पहले अगर बात करें यहाँ पर 110 लाख रुपीज का प्रॉफिट था कंपनी। क्वार्टरली वाइज यहाँ पर अच्छी खासी गिरती हुई नजर आ रही है लगभग 50%, और ईयरली वाइज नेगेटिव से प्रॉफिट में आ गई है। इसके अलावा एक और दिग्गज शेयर अंबुजा सीमेंट, जो कि आपको पता ही है किस तरीके से भागता है, जब भागता है तो यहाँ पर अच्छे रिजल्ट भी यहाँ पर हमेशा पेश करता है। तो यहाँ पर देखते हैं इस बार के रिजल्ट, तो यहाँ पर देखें तो ये इस बार के रिजल्ट है, ये लास्ट क्वार्टर के और ये एक साल पहले के, तो इन करोड़ में रिजल्ट है। टोटल इनकम देखे 3,532 करोड़ इन रुपीज, से पहले 3,676, से पहले 2,368। तो ईयरली वाइज यहाँ पर जंप है, क्वार्टरली वाइज गिरावट है। और हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की, तो 2,565 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस 2,790, से पहले 1,728। तो ईयरली वाइज यहाँ पर एक्सपेंस बढ़ रहे हैं बट क्वार्टरली वाइज यहाँ पर गिरावट है। और बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो 723 करोड़ के यहाँ पर अगर बात करें प्रॉफिट है, इससे पहले 664 था, इससे पहले 453। तो ईयरली वाइज एज वेल एज क्वार्टरली वाइज कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्म किया है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर इसके नंबर स्ट्रॉन्ग है, एक्सपेंस यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई दिया है। तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा, ये शेयर शायद ACC जिस तरीके से भागा था उससे ज्यादा ये भागता हुआ दिखाई दे, क्योंकि ईयर
ईयरली क्वार्टरली वाइज यहाँ पर कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया। तो कुछ कंपनीज के रिजल्ट काफी अच्छे हैं, बाकी कुछ फ्लैट है और काफी के बेकार है। मैं यहाँ पर इन सभी कंपनी के रिजल्ट पे नजरें बनाइएगा। जिन कंपनी के रिजल्ट हमने देखे नहीं है कल बात कर लेंगे, अदरवाइज यहाँ पर उनकी तरफ आप भी निगाहें बनाइएगा, चेक करिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।